मैं शिवरी चौधरी 125 कैंट विधानसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी। 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 5,000 रुपए प्रति माह युवाओं को देंगे, और अगर महिलाओं की बात करें तो 1,000 रुपए प्रति माह हम गृहणियों को देंगे। ये आम बुलाता भी रहा मुझे, मैं बराबर आती भी रही, होटल में भी बुलाता रहा मुझे, जहाँ ले जाता था, कभी नैनीताल घुमा रहा, कभी कहीं घुमा रहा। आपके घर में कोई नहीं था, आप किसी ने टोका नहीं? आप पापा एक्सपायर हो चुके। अच्छा, भाई ही छोटे मेरे दो। कोई नहीं, आप ऐसा करो ना, अपने हस्बैंड का वो फोटो दीजिए। अभी आप कहाँ रुकी हुई हैं इस वक्त? इस वक्त हम अपने फ्रेंड के वहाँ चले जाते हैं। रास्ते में वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो मैं क्या फायदा? आप एक काम करो ना, कहते हैं ट्विटर का एक अकाउंट बनाइए और अपनी तरफ शुरू कर दीजिए, ऊपर करिए ना, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या क्या मामला है आपके? क्या सर, मैं बाहर की रहने वाली हूँ। यहाँ मेरी शादी हो गई थी, वहाँ ये थाना कैंट में यहाँ पे लिखा पड़ी हुई, फिर ये लोग कह लगे तुम लोग अपनी शादी कर लो जाके, शादी कर ली मैंने, तो जाके शादी के 7 महीने से मेरे साथ ही रह रहा है वो। कौन था? हस्बैंड मेरा। क्या नाम है? अर्जुन गुप्ता। सनाफोरी लाल। फोटो तो रजनीश से है। और दिखाइए। कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं, सब परेशान हो गए 5 दिन से। पूरी बात बोल, क्या नाम है आपका? उसका नाम है क्या? मामला क्या? फरियाद लेकर आई हूँ आज आप? सर मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया है सर, मैं मुस्लिम से हिंदू बनी, मैंने शादी की, शादी करके मैं रहती रही, 7 महीने बाद यहाँ से छोड़ के भाग गया मुझे। किसके साथ रह रही थी? अपने पति के साथ रह रही थी हरदोई में, वहाँ पे रह रही थी, तो वहाँ पे जो है रहते रहते ये अपने घर आता जाता रहा, इनके घर वालों ने भड़काया कि तुम इसे छोड़ के भाग जाओ, ये छोड़ के भाग गया, मोबाइल अपना बंद कर दिया इसके घर वालों ने। यहाँ पे घर पे आया, मोहल्ले वालों ने भी बताया कि हाँ घर पे आया इसका बड़ा भाई अमित, वो छोड़ के आया इसको, पता नहीं कहाँ छोड़ के आया है ये नहीं पता सर। सर इसकी बहन रहती है हरदोई में, वहाँ पे आना जाना था, तो मेरी इसकी व्हाट्सएप पे मुलाकात हो गई, व्हाट्सएप पे बात होती रही, मोबाइल पे भी बात होती रही, चैटिंग वगैरह सब होती रही, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, तो ये सब होता रहा। उसके बाद में मैंने शादी कर ली, 7 महीने हो गए रहते हुए साथ में, अब ये भाग गया छोड़ के, इसके घर वाले कह रहे छोड़ के भाग जाओ, मैं देखो क्या करेगी अकेले। ये शादी मैंने मंदिर में सर की थी, आप हरदोई मंदिर में बालाजी में, हाँ छोड़ के भाग गया। मैं 4 दिन से परेशान हूँ, यहाँ इधर जा रही उधर जा रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा, सुन रहा कोई तो घर में भी घुसने नहीं दे रहा, कोई घर में नहीं घुसने दे, मार के भगा देते, कहते घर में घुसो तो मार डालेंगे हम जान से। क्या नाम था आपको? मुस्कान, पहले मुशरफीना नाम था, मुशरफीना, अब मुस्कान नाम। अच्छा, जिससे शादी किए थे वो क्या करता, उसका क्या नाम है? वो सर पढ़ाई कर रहे थे, अर्जुन गुप्ता नाम है उनका। सर खर्चा अर्चा मैं, किराया वराया सब मैं ही दे रही थी, 7 महीने से मैं ही जॉब कर रही थी, मैं ही सब कुछ कर रही थी, सबका सारा खर्चा मैं उठा रही थी, मैं जॉब पे चली गई, इतने में सारा सामान मोबाइल वाले लेके भाग आया सब। क्या करते थे? मैं कपड़े की दुकान पे जॉब करती हूँ। अब मैं उसके साथ मेरा पति बुलवा दो मुझे भैया, और कुछ नहीं चाहिए खाली, मुझे मेरा पति बुलवा। थाने गए, महिला थाने, यहाँ कैंड थाने, कोई सुनना तो भगा देते सब। विवाद क्यों है, ये नौबत क्यों आई, क्या बजे रही हुँ? उसके घर वाले उसको भड़काते कि तुम इसको छोड़ दो, इसे तुम्हें शायद दहेज नहीं मिला है, मैं तुम्हें दूसरी करवा दूंगा, बढ़िया से बढ़िया करवा दूंगा, वहाँ दहेज मिलेगा तुमको। क्या ये भी कहते हैं कि वो दूसरे तरफ समझ रहे हैं? हाँ, वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तो भी मैंने धर्म परिवर्तन करा लिया था इसी के चक्कर में, चलो भाई हम धर्म परिवर्तन कराएगा तुम्हारी बिरादरी में आ, अब मुझे अपनी बिरादरी में कौन पूछेगा पहले ये बताओ, मैं तो अपने धर्म की भी नहीं रही हूँ।